वेलकम टू ब्लूमिंग रोज एकेडमी। हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास फोर्थ का हिंदी सेकेंड पढ़ाने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम आपको यहाँ तक रीड करवाते और रीडिंग भी करवाते क्वेश्चन आंसर। अब हम आज आपको दूसरा एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। क, स्वरों के उच्चारण के लिए अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है तो गलत होगा। देखिए यहाँ पे गलत का निशान लगाए। और स्वर की कोई मात्रा नहीं होती तो सही का निशान। अंग और अह स्वर कहलाते हैं नहीं, तो यहाँ पे गलत का निशान। अंग को अनुस्वार भी कहते हैं, सही सही का निशान लगाए। तीसरा एक्सरसाइज, अनुस्वार, इस बिंदु को हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक, इसको अनुनासिक कहते हैं। लगाकर शब्दों को दोबारा लिखो। कघा, देखो यहाँ गलत लिखा गया तो हम यहाँ पे सही करके राइट किए हैं कंघा। आँख, तो हम यहाँ पे आँख लिखे हैं। शंख लिखा है तो शंख, चाँद लिखा है तो चाँद। ऐसे आप अपने बुक में राइट करिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाओ। त हलन प्लस छोटी प्लस त हलन प्लस अ प्लस ल हलन प्लस ई बड़ी ई तितली। ख स हलंत प्लस बड़ा उ प्लस र हलंत प्लस य हलंत प्लस अ, तो यहाँ पे सूर्य होगा। म हलंत प्लस ए प्लस न हलंत प्लस आ, तो यहाँ पे मैना होगा। घ हलंत प्लस ओ प्लस अड़ प्लस आ घोड़ा। आप ऐसे अपने बुक में राइट करिएगा। शब्दों के वर्ण विच्छेद करो। यहाँ पे क्या है, पुस्तक, तो इसको हम कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे। प हलन प्लस उ प्लस स हलन प्लस त प्लस क, क्या हो जाएगा, त अ प्लस क प्लस अ पुस्तक। अब ख करेंगे संधि विच्छेद, ह ई प्लस ह, सॉरी यहाँ पे होगा ह हलन प्लस छोटी ई प्लस र हलन प्लस अ प्लस न हलन प्लस अ हिरन। अब यहाँ पे चांद है तो ऐसे च हलन प्लस आ प्लस द चांद प्लस अ चांद। अब हम आते हैं सिक्स एक्सरसाइज पे, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। स्वर रहित व्यंजन किससे दर्शाया जाता है, तो हलन से दर्शाया जाता है। हलन पे आप टिक करिएगा। कौन सी ध्वनि आगत ध्वनि है, आ आगत ध्वनि है। आप या टिक करिएगा। किस स्वर की मात्रा नहीं होती, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो अ पे करिएगा। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और इन्हें इनके नामों से प्रयुक्त मात्राओं से मिलाओ। आप इसको अपने गार्जियन के हेल्प से मैच करिएगा और इसका एक फ़ोटो क्लिक करके फ़ोटो सेंड करिएगा। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।